आज ही डाउनलोड कीजिए। राजस्थान हमारी एक अहम और मशहूर रियासत है, जहां ये हिंद के राजपूत खानदानों का बुनियादी मस्कन रहा है। वहीं ये सकाफती और फनी लिहाज से भी अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है। दरअसल इस सरजमीन के बहादुर और पुरशुजात राजपूतों ने कौमियत को कायम रखने में अपना एक अहम रोल अदा किया है, जिसके लिए इन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। नाजरीन, सफरनामे की इस किस्त में हम आपको इसी रियासत की खूबसूरत राजधानी जयपुर की सयाहती सफर पे ले चलते हैं। जयपुर रियासत राजस्थान का दारुल खिलाफा है, जिसको मकबूल जबान में गुलाबी शहर या पिंक सिटी भी कहा जाता है। ये एक बेहद खूबसूरत तारीखी शहर है, जिसको अगर रेगिस्तान का नखलिस्तान भी कहा जाए तो कोई मुगालता नहीं होगा। दोस्तों, जयपुर हिंदुस्तान का एक बेहद मकबूल और बड़ा शहर है, जिसको यहाँ के ताकतवर हुक्मरानों ने लगातार वसत देकर दुनिया के अजीम शहरों के सफे में खड़ा कर। 2011 के आदादोशुमार के मुताबिक जयपुर की आबादी 66,63,971 अफराद पर मुश्तमिल है। जिसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है, जिनमें लगभग 77% हिंदू, 17% जैन, इसके अलावा 4% दूसरे मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी यहां सकूनत इख्तियार किए हुए हैं। जयपुर का नाम राजस्थान के एक बहादुर और रियाया परवर हुक्मरान स्वाई जय सिंह के नाम पर रखा गया है, और इसकी तामीर स्वाई माधो सिंह ने शुरू की थी, जिसको बाद में दीगर बादशाहों ने वसत देकर पाए तकमील तक पहुंचा दिया। कहा जाता है कि जयपुर शहर की तामीर कदीम हिंदुस्तान की तामीर के साइंसी असूलों के लिए वास्तु शास्त्र पर मबनी है, और वाकई ये शहर बहुत ही अच्छे प्लान के तहत तामीर कराया गया है। उस जमाने में इतनी उम्दा सोच के तहत बसाया गया ये शहर देखने वालों को हैरत में डालता है।
सवाई जयसिंह का उद्देश्य था, क्योंकि सवाई जयसिंह तीन विद्या के जानकार थे, यंत्र मंत्र और तंत्र, तो वो स्वयं गणपति का इष्ट रखते थे, गणपति का दर्शन करके ही वो कार्य किया करते थे। इसी प्रकार उनका उद्देश्य ये था, भावना ये थी कि मेरे नगर का प्रत्येक व्यक्ति गणपति का दर्शन करके ही कार्य करे। तो उन्होंने मंदिर के ऊपर एक स्वस्तिक का निशान बनाया जो जयपुर की चार दीवारी से हर कोने से नजर आता है। सवाई जयसिंह भी अब उसी का दर्शन करके अपना कार्य किया करते थे। जयपुर नगरवासी भी अपनी दैनिक प्रक्रिया उसी स्वस्तिक का दर्शन करके प्रारंभ करते हैं, और आज भी गणपति की कृपा से उस चार दीवारी के ऊपर छत्र छाया बनी हुई है और उसमें सब प्रोग्रेस करते हैं, सब सफलता को प्राप्त करते हैं। राजस्थान की आन बान और शान की जीती जागती अलामत जयपुर शहर, सैयाहों खासकर गैर मुल्की सैयाहों में बेहद मकबूल है, जिसकी एक खास वजह यह है कि यहां तारीखी दौर की अजीमोशान इमारत आज भी अपने रूप में हमारे सामने इस्तादा है, क्योंकि गैर मुल्की हमलावर इसको जेर नहीं कर सके, और इस तरह ये माजी की खूबसूरत निशानियां उनकी जारहत से बच गईं। काटी सूत की गंठी गंठीली हो, अरे पाला पनेरी प्रीतड़ी वो तो बोत हठीली हो। यहाँ के मशहूर जमाना सयाहती मकामात में जल महल भी शामिल है। राजस्थान की शाहाना रिवायत की अलामत है यहाँ का अंबर फोर्ट नाम का किला, जो हिंद के पुराने मजबूत किलों में शुमार होता है। Thank you.
इसके साथ जयपुर का एक और किला भी तारीखी और सियाहती एतबार से बहुत ही अहम माना जाता है। ये है जयगढ़ नाम का किला, जिसको कहा जाता है इस किले की तामीर राजा जयसिंह ने करवाई थी। चूंकि जयपुर के बेशतर महल लाल या गुलाबी पत्थरों से तामीर किए गए हैं, लिहाजा इस शहर का नाम ही गुलाबी शहर या पिंक सिटी पड़ गया। नाज़रीन, जयपुर में मज़हबी एतबार से बहुत से मकामात पाए जाते हैं, जिनमें गढ़गणेश मंदिर काबिल ज़िक्र है। जयपुर में गढ़गणेश मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है, जो जयपुर की उत्तर दिशा के अंदर पहाड़ी पर स्थित है। यह देवालय सवाई जयसिंह जी ने जयपुर निर्माण करने के उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ के अंदर गणपति का पूजन किया, यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ समाप्ति पर गणपति का स्थान बना, गणपति को स्थापित किया, उसके बाद जयपुर की नींव लगी। उस समय आमेर रियासत थी। जलमहल के ठीक सामने यज्ञशाला बनी हुई है, जहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया गया था। उस नीम लगने के बाद सवाई जयसिंह जी ने ऐसा उद्देश्य रखा कि मैं नित्य प्रति गणपति के दर्शन कर सकूं। उसके लिए उन्होंने सिटी पैलेस बनवाया और सिटी पैलेस से आज भी दूरबीन से दर्शन होते हैं, ऐसा गणपति का स्थान बना हुआ है। और अपने बसावे नगर के ऊपर पूरी दृष्टि गणपति की डलती रहे, इसलिए उन्होंने गणपति को ऐसी जगह स्थापित किया कि उनकी दृष्टि पूरे नगर के ऊपर है। आज भी चार दीवारी के अंदर रहने वाले व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके प्रणाम करके अपनी दैनिक प्रक्रिया शुरू करते हैं और अपने कार्यकलाप करते हैं। जयपुर का लक्ष्मी नारायण मंदिर उन अहम इबादतगाहों में शामिल है जो काबिले दीद हैं। गोविंद जी मंदिर जयपुर का एक और खास और अहम मंदिर है, जिसमें जायरीन की भारी तादाद पूजा पाठ में महव नजर आती है।
माता शीला देवी का मंदिर भी जयपुर में खास दिलचस्पी का मरकज है। यहाँ हर रोज हजारों जायरीन शीला देवी के दर्शनों के लिए आते हैं। इसके अलावा जयपुर में और भी मजहबी नवियत से अहम मकामात और आस्थान हैं जो काबिल दीद हैं। इसके अलावा जयपुर का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, वाकई ही बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसमें राजस्थान की तारीख के निशानात महफूज रखे गए हैं। जयपुर जहां एक तारीखी शहर है, वही ये रियासत राजस्थान की राजधानी भी है और रियासत के तमाम मरकजी दफातर इसी शहर में बने हुए हैं और यही हुकूमत का मंबा भी है। तालीम तरबियत के मैदान में भी जयपुर पेश पेश है और यहां हर जगह प्राइमरी सतह से लेकर यूनिवर्सिटी सतह तक के तालीमी इदारों का जाल बिछा हुआ है जहां तालिबे इल्म तालीम के नूर से फैजियाब हो रहे हैं। जयपुर की एक और अहम खसूसियत है यहां की सन्नत हरफत। दस्तकारियां जो न सिर्फ मुल्क हिंद में बल्कि सारी दुनिया में बहुत ही पसंद की जाती है क्योंकि इनमें कदीम जमाने के हिंदी तर्ज के रंग बिरंगी झलक देखने को मिलती है। यहाँ की दस्तकारियों को राजस्थानी दस्तकारियों के नाम से ही पहचाना जाता है। ब्लॉक प्रिंटिंग राजस्थानी दस्तकारियों का पहला आईना है। राजा महाराजों के टाइम से जुड़ा है, यानी कि हमारे पुश्तैनी दर है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आ रहा है। और जैसे यहाँ की जैसे जयपुर बसाया गया है ना, तो उन्होंने उसी समय से प्रिंटिंग यानी कि कलाकार राज जैसे जयपुर के राजा थे तो वो एक एक चीज़ के कलाकारों को यहाँ लाके बसाया, तो ये तब से चलती हुई आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। इसको राजा महाराजा पहनते थे पहले, यानी कि उस समय जैसे जितने हाई लेवल के आदमी थे बड़े बड़े, वो आदमी सब इसको पहनते थे। ये टोटल वेजिटेबल प्रिंट होता है। वेजिटेबल जैसे अपने पेड़ पौधे हैं, जैसे केसुला के फूल हैं, हरडा है, ये चीज़ें इनमें काम आती है। वेजिटेबल जो अपने
जमीन से पौधे हो गए हैं उन्हीं के कलर से बना होता है, उनकी जड़ी बूटियों से ये बना हुआ है। केमिकल कलर तो केमिकल्स होता है क्योंकि वो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, और ये वेजिटेबल है तो वेजिटेबल यानी कि शरीर को, जैसे एक अपन आयुर्वेद दवा लेते हैं तो वो शरीर को सही करती है, तो ये भी अपने शरीर के लिए अच्छा रहता है कि बॉडी पहनते कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, यानी कोई चरम रोग या ऐसी कोई बीमारी होने का डर नहीं रहता है। ये ब्लॉक प्रिंटिंग का क्या है, इसमें चादर है, साड़ी है, यानी कि ऑल ड्रेस मटेरियल है, यानी अपन कुछ भी बना सकते हैं, कुर्ता बना सकते हैं, शर्ट बना सकते हैं, कि यानी कि जो लेडीज़ आइटम्स है, जेंट्स आइटम कुछ भी बन सकता है, इसमें रजाई बनती है, और ये पूरा वर्ल्ड में यानी कि सांगानेर फेमस है ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, पूरा वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है, यूके में होता है, यूएसए में होता है, यानी कि पूरे यूरोप कंट्री में सब में जा रहा है, ट्रेडिशनल वर्क है ये। और संगमरमर से तराशी गई राजस्थानी चीज़ों की दुनिया भर में बहुत ही मांग है। जरी गोटा का काम भी जयपुर का एक खास फन है जो यहाँ के कारीगरों का सबब रोजगार बना हुआ है। इस जरी गोटे में आपका एक्सपोर्ट का काम भी होता है, सिविल लाइन का काम भी होता है। सिविल लाइन में जैसे साड़ी वगैरह का काम, साड़ियों पे डिज़ाइन और पक्षी पशु वगैरह बनाना, और एक्सपोर्ट में जैसे कि गारमेंट्स के पीस वगैरह होते हैं फ्रेम पे, तो वो बनाना, वो सब काम करना एक्सपोर्ट का होता है, और बाकी साड़ी लाइन का होता है जो फैंसी काम होता है। जरी गोटे पे हम लोग जैसे कि करदाना, मोती, सितारे, रेशम, कसब और भी कुछ वगैरह, मतलब काफ़ी मटेरियल लगता है इसमें, जिस तरीके से तैयार किया जाता है। वैसे ये ज़्यादातर ये काम तो अपने हिंदुस्तान में कम जाता है, बाकी विदेशों में ज़्यादा होता है, जैसे कि एक्सपोर्ट का काम ज़्यादातर विदेशों में जाता है, और अपने हिंदुस्तान में ज़्यादातर सिविल लाइन का काम चलता है, जैसे साड़ी वगैरह होती हैं मुंबई में और भी जगह पे, अपने डिज़ाइन बना के अपने उधर सप्लाई कर दी, बेच दी, या फिर किसी भी का ऑर्डर लेके किसी का भी यहाँ पे अपने कर लिया। जयपुर अपनी जौहरियों के लिए भी खासा मशहूर है, और यहाँ के हीरे जवाहरात अच्छी किस्म के माने जाते हैं, जिसकी सन्नत यहाँ की इक्तिसादियात का एक आम सतून है। सोने के जेवर बनाने में भी जयपुर का कोई सानी नहीं, यहाँ के कारीगर दुनिया के आला कारीगरों में शुमार किए जाते हैं। नाज़रीन, सफरनामे की आज की किस्त खत्म करने की दीजिए इजाजत। अगली किस्त में आपको मिलेंगे गंगा जमनी तहजीब को अपने में संजोए हुए शहर अजमेर में।